सारा मुसलमान चंद्रशेखर भाई के साथ है। में कुछ नहीं, वो चौथे नंबर के कैंडिडेट है जी। बनी है, खाते नहीं मिले, मतलब कुछ नहीं बनाया यहाँ से। राणा जी है, इनके पास तो कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट भी अगर सारा दे दे ये नहीं जीत पाएगी। हो गया एक तरफ जितना बड़ा चंद्रशेखर भाई, इतना दमदार, ईमानदार, सज्जन, कर्मठ, निडर, जुझारू और पढ़ा लिखा नेता हमारी धरती में और हमारे समाज में जन्मा है, ये तो हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है भाई। हाँ, 90% दलित और 90% मुस्लिम चंद्रशेखर भाई के साथ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मीरापुर विधानसभा के क्षेत्र गादला में, और यहाँ पर 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें आज गादला में एक सभा को चंद्रशेखर आज़ादी संबोधित कर रहे थे। कितना असर यहाँ की जनता पर चंद्रशेखर आज़ाद का रहेगा, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि कितना असर आज के इस चुनाव पर रहेगा। आपका क्या नाम है? तस्लीम प्रधान, भोपा। तस्लीम जी, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अभी एक सभा करी है, इसका कितना असर आप दलित समाज या समाज पर देखते हैं? यहाँ तो सभा करने की जरूरत नहीं थी, उनका प्यार है इस मिट्टी से, उनका नाता दूसरा है, लोगों का प्यार था जो वो यहाँ आ गए। यहाँ सभा की, यहाँ सब इकलब्बा है, यहाँ 90% दलित और 90% मुस्लिम चंद्रशेखर भाई के साथ है, तन मन धन से साथ है। बहन कुमारी मायावती भी दलितों की बात करती हैं, वो भी कहते हैं कि दलित हमारे पास है, उनका जो वोट बैंक है हमारे पास है। इधर चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, वो भी अपना पक्ष रखते हैं कि ये दलित हमारे साथ है, तो दलित इस वक्त किसके साथ जाएगा? बड़ा अच्छा सवाल करा आपने बहन जी के बारे में। एक बात बताओ, आप ध्यान से सुनियो, समझदार साथी हो, जब हमारा मान लीजिए कोई घर है जिसमें हम रहते हैं, वो पुराना हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो हमें नया घर बनाना पड़ता है। मान लो जिसमें हम रह रहे पुराना हो गया, जर्जर हो गया, तो इसी तरीके से हमारी बहन जी मायावती जी जो है पुरानी हो गई है, अब हमें नया घर बनाने की जरूरत थी। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में इतना दमदार, ईमानदार, सज्जन, कर्मठ, निडर, जुझारू और पढ़ा लिखा नेता हमारी धरती में और हमारे समाज में जन्मा है, ये तो हमारे लिए गर्व और फख्र की बात है भाई। तो सारा SC वोट, सारा पिछड़ा वर्ग, सारा दलित वर्ग, सारा मुसलमान चंद्रशेखर भाई के साथ है, तन मन धन से साथ है। अलग अलग पार्टियों से मुस्लिम प्रत्याशियों को भी यहाँ मैदान में उतारा गया है, उनका कितना असर यहाँ पर जनता पर रहेगा, कितने मतदाताओं पर उनका असर रहेगा? जिस मुस्लिम प्रत्याशी को चंद्रशेखर भाई ने उतारा, उसकी जाति के यहाँ 60,000 वोट है, पहली बात तो आपको अवगत करा दूं, झोजा समाज की, उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, बाकी वोट उनकी है, तो यहाँ कोई ऐसा खास असर नहीं रहने का। यहाँ थोड़े बहुत वोट कटेंगे, 1,000-2,000, बाकी यहाँ एक तरफा चुनाव है, और चुनाव की बौखलाहट की वजह से भाजपा सरकार ने चुनाव को पीछे कर दिया, तारीख इसकी, और यही कारण है, और ये पूरा हथकंडे अपना रहे, लेकिन होना कुछ नहीं है, सबको पता है, जनता समझ चुकी है, जनता निर्णय करेगी, भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रत्याशी भाई जाहिद हसन को एक तरफा जिताएगी। अभी अभी जैन चौधरी जी ने भी आज यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया है, जैन चौधरी ने मिथिलेश पाल जी के पक्ष में यहाँ पर मतदाताओं से वोट की अपील करी है, तो उनका कितना असर रहेगा इधर क्षेत्र? अच्छी बात है, उनके भी यहाँ वोट है थोड़े बहुत, अच्छी बात है, सभी करते हैं, जो राष्ट्रीय नेता है और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभा करनी चाहिए। बाकी हकीकत यह है, यहाँ ज़्यादातर संख्या में, ज़्यादा तादाद में SC और दलित वोट है, और वो बिल्कुल एक तरफा, ये कितने ही नारे दे लें, बटेंगे तो कटेंगे, फला ढिमकाना, और ये बांटने वाली रणनीति, डिवाइड एंड रूल वाली रणनीति जो 200-300 साल अंग्रेजों ने करा है, जनता बहुत समझदार है, अब वो अंग्रेजों वाला रूल ये दोबारा इस्तेमाल कर रहे, ये बटने वाली जनता नहीं है, ये भाईचारे का संदेश देगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जो सदियों से नारा चला आ रहा है उसका ये संदेश देंगे, और एक तरफा जीत के दिखाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ 13 तारीख में यहाँ पर उपचुनाव होना था, लेकिन चुनाव आयोग ने तारीख पीछे हटा दी, उसका कितना असर आप यहाँ पर देखते हैं? यहाँ फायदा हुआ हमें थोड़ी सी, हमारी जो है मीरापुर विधानसभा के दूर दराज के गाँव है, कुछ गाँव रह गए थे, वहाँ जाने का मौका नहीं मिला था, बहुत बढ़िया हो गया, 7 दिन हमें मिल गए। बाकी मैं तो धन्यवाद करूंगा जी, कुछ लोग हमारे से पिछड़े हुए थे, वो दोबारा उनके पास जाएंगे, मिलेंगे, उससे हमें फायदा होगा, नुकसान नहीं होने का, बिल्कुल नुकसान नहीं होने का, हमें फायदा होगा और दूर तक जाने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ये तो दिमाग लगा रहे हैं कि हम लोग जो है हार जाएंगे, लेकिन इनका दिमाग इंशाल्लाह काम नहीं करने का, यहाँ बहुत बेहतरीन संदेश जाएगा, वो संदेश जाएगा जो नगीने के अंदर गया, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने अपनी जान लड़ा दी, जिसकी आवाज़ चंद्रशेखर आज़ाद है, हर गरीब की, हर मजदूर की, और हर दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाता है, शेर की तरह दहाड़ता है, 500 सांसदों पे भारी है भाई चंद्रशेखर आजाद, जिसको दुनिया जानती है, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है। सूबे में मुखिया योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो सबका विकास और सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, तो उसको कहाँ तक आप किस नजरिए से देखते हैं? झूठे नारे हैं, और एक विशेषकर वर्ग पे जुल्म हो रहा है या किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबके सामने है, और लोगों को बांटने का काम कर रही भाजपा सरकार,
और लोगों को तोड़ने का काम कर रही, सताने का काम कर रही, जुल्म हो रहा। हकीकत बात है लॉ एंड ऑर्डर में फेल है बिल्कुल, कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है। आप देख रहे हैं दिन पर दिन दाड़े मर्डर होते हैं और इज्जतें लूटी जाती है। और मैं कह रहा दोबारा से जंगल राज यहाँ शुरू हो गया है, हकीकत बात है। यहाँ कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है और ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरह का हथकंडा अपना सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भारत सरकार बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी नारा देती है, उसको किस नजरिए से? भाई इनके तो बहुत सारे नारे हैं, कहाँ तक आप बताएंगे। इनके तो 15 लाख के नारे थे, 5 पैसे जनता के हाथों में नहीं आए। इनका नारा था भाइयों बहनों हवाई जहाज वाले हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेंगे। इनके तो बहुत नारे भाई, ये तो झूठे जुमले, ये तो जुमलेबाज लोग है, झूठे लोग है। इनकी तो सदियों से राम कथा सबको पता है, जनता समझ रही है। हकीकत बात है आप याद रखना, जो हाल हिटलर ने देश का करा वही हाल ये कर रहे। यहाँ लोगों को तोड़ के राज करना चाह रहे, बहुत दिन हो गए, जनता समझ चुकी है। बहुत जल्द वो वक्त करीब है जब इन्हें उखाड़ फेंकेगी जनता। अरुण कुमार जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने आज यहाँ पर गातला में एक चुनाव सभा को संबोधित किया है, इसका कितना असर आप दलित समाज पर देखते हैं? भाई दलित समाज बनी ये तो जो सभी अपना जी जान से साथ में लगे पड़े, सही पेदली का निशान पार उतरना है। क्या चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ के मतदाताओं पर काफी असर डाल पाएंगे ऐसी चुनावी सभा करने से? चुनाव का है एक तरफ जितना बड़ा चंद्रशेखर भाई, चंद्रशेखर ने अपने जो प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, क्या चंद्रशेखर जी को देख के वोट कर रहे हैं या पार्टी को या प्रत्याशी को देख के? चंद्रशेखर को देख के वोट हो रही, चेहरा जावेद हसन का चेहरा, नहीं तो चंद्रशेखर भाई के साथ में लगे पड़े सभी। चंद्रशेखर आजाद जी किस किस वर्ग के लिए काम कर रहे हैं? ये तो सबके लिए काम कर रहे हैं जी, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जी भी हैं जो दलितों पर अपनी छाप रखते हैं और बहन कुमारी मायावती भी हैं जो दलितों पर अपनी छाप रखती हैं, तो किसकी पकड़ यहाँ ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है? चंद्रशेखर आजाद जी की आप पकड़ ज्यादा मजबूत यहाँ पर बनी हुई है। तो चंद्रशेखर आजाद जी की जो पार्टी से है यहाँ पर प्रत्याशी है, क्या वो यहाँ से सीट निकाल पाएंगे? हाँ जी निकाल पाएंगे बिल्कुल। तो आप जो यहाँ पर वोट करेंगे, आप यहाँ के सड़कें वगैरह देख के या रोजगार को देख के या बेरोजगारी को देख के या यहाँ की आम जनता किस हिसाब से वोट कर रही है? सब इसी हिसाब से वोट कर रहे हैं, जो रोजगार है इनका, जो मतलब जो सड़क नहीं बनी हुई है, खाते नहीं मिले हुए, मतलब कुछ भी बनाया यहाँ से ना, गरीब आदमी कुछ भी मिला हुआ नहीं है। अब इन सोच रहे कि जो कुछ बनकर दिखावा करके दिखावा, इस वजह से वोट देंगे हम। चंद्रशेखर आजाद जी को देख के वोट कर रहे हैं या प्रत्याशी को या पार्टी को देख के वोट कर रहे हैं? नहीं जी, उसके भाषण को देख के वोट देंगे हम, जो मतलब उन्होंने कहा यहाँ से विश्वास जमाया हमारे पर। क्या विश्वास जमाया है? क्या गए ना मैं करूँगा, मुझे बनाओगे तो मैं करके दिखाऊंगा, मकान भी दूंगा यहाँ से, जो गरीब आदमी जिन पर मकान नहीं बन पा रहे उन्हें मकान भी। समझ जी, अभी यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी से पहुंचे थे सांसद जी और उन्होंने यहाँ पर चुनावी सभा को संबोधित किया। 9 सीटों पर यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है, तो इसका कितना असर चंद्रशेखर आजाद जी दलित समाज या और वर्ग पर डाल पाएंगे? बहुत डाल पाएंगे सर, ज्यादा डाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दलित और प्लस में मुस्लिम, यहाँ पे समीकरण सही का सही बनना है। और दलित जिसके साथ होता है और मुस्लिम जीतता है यहाँ पे विधानसभा में, जो जीतता है मेरापुर विधानसभा में वही जीतता है जिसके साथ समीकरण सही होता है प्लस के साथ में। जैसे राणा जी है, इनके पास तो कुछ नहीं है, मुस्लिम वोट भी अगर सारा दे दे ये नहीं जीत नहीं पाएंगे। यहाँ पे जाहिद भाई की जो रहेगी और मिथिलेश जी की वही रहेगी टक्कर उसकी, मिथिलेश जी की। मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ और भी मैदान में है, कादिर राणा की लड़के की वाइफ है और सुम्बुल राणा, वो भी चुनावी मैदान में है, वो कितना असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है? सुम्बुल राणा में कुछ नहीं, वो चौथे नंबर का कैंडिडेट है जी। चौथे नंबर का कैंडिडेट आप सुम्बुल राणा जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पर दलित जो बसपा है, बसपा से बहन कुमारी मायावती है, वो भी दलितों की बात करती है और चंद्रशेखर आजाद जी भी दलितों की बात करते हैं, तो कौन सी पार्टी कितना असर डाल पाएगी? चंद्रशेखर भाई की डाल पाएगी, बहन जी को हमने बहुत वोट दिया जी, अब हम नहीं घर आ गए, हम नया घर बसा लिया, दूसरा घर से जा पुराने घर से नए में आ गए, बहन जी को बहुत सपोर्ट किया जी, अब चंद्रशेखर भाई की बारी है और चंद्रशेखर भाई सभी के हक में बोल रहे हैं, मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई सब हो, कोई भी हो, सभी का मान सम्मान करते हैं और पार्लियामेंट में जाके आवाज भी उठाते हैं गरीबों की। सूबे में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो
उनका यहाँ पर विकास नहीं दिखाई दे रहा आपको? विकास थोड़ा है, विकास तो है थोड़ा है, मजेदारी नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी सरकार देती है, तो उसका कितना असर यहाँ देखने को? बेटी का तो आपको पता लग रहा है, आप तो पत्रकार हैं, आप समझ रहे होंगे कितना नारा है यहाँ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। गई सबका साथ और सबका विकास की भी बात यहाँ पर सरकार करती है, तो उसको कहाँ तक आप किस नजरिए से देखते हैं? थोड़ा देखते हैं, बस इतना नहीं है, क्योंकि गरीब जो लोग हैं ना यहाँ पे, किसान मजदूर, वो बात नहीं जो होनी चाहिए यहाँ पे, जो एकता का नारा देते हैं ना, वो नहीं है यहाँ पे जी। तो यहाँ के जो मतदाता हैं उनका रुझान किस तरफ ज्यादा है? चंद्रशेखर भाई की तरफ है, प्रत्याशी बहुत भला है, कोई उसका विरोध नहीं है, साफ सुथरी सभी का आदमी है, साफ सुथरा आदमी है, कोई उसका विरोध नहीं रहा, किसी का मान सम्मान करते, सबका मान सम्मान करते, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हो, सबका मान सम्मान करते, जाहिद हुसैन भाई। यहाँ तो सब असर चंद्रशेखर भाई का ही है। कितना रुझान है? रुझान सब चंद्रशेखर भाई का है, यहाँ तो सब एक तरफा वोट करेंगे, हिंदू जो हमारा दलित वोट है वो भी चंद्रशेखर भाई की तरफ है, और प्लस मुस्लिम समाज भी चंद्रशेखर भाई को वोट कर रहा है। यहाँ का जितने यहाँ के मतदाता हैं, इस गांव के मतदाता हैं, गांव गादला में उन्होंने चुनावी सभा की है, तो यहाँ का मतदाता किसकी तरफ ज़्यादा रुझान कर रहा है? चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर आजाद जी किस किस वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं? वो सभी वर्गों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलित हो, किसान हो, कोई भी हो, सभी की आवाज़ उठा रहे हैं। सभी, आपने बताया कि सभी की आवाज़ उठा रहे हैं, कि किस तरह की चंद्रशेखर भाई आजाद आवाज़ उठा रहे हैं? तो किसी पर जुल्म हो रहा हो उसकी आवाज़ उठा रहे हैं, किसी के साथ मार पिटाई हो रही, दंगा हो रहा हो कहीं, किसी को दबाया जा रहा हो, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर भाई को सबका सहयोग मिल रहा है और वे सभी के साथ सम्मान रहते हैं और वे सभी के लिए एकता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ज़्यादातर चंद्रशेखर भाई का ही है, देखने को मिल रहा है कि सभी चंद्रशेखर भाई का आवाज़ उठा रहे हैं। चंद्रशेखर जी आप बोल रहे हैं कि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पर और भी मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में मौजूद हैं, सुंबल राणा जी यहाँ पे चुनाव मैदान में मौजूद हैं, क्या सुंबल राणा जी प्रयास लगा पाएंगी? यहाँ से पहले भी सबको समर्थन किया है, सुंबल राणा को भी, कादिर राणा को भी, सबको वोट दिया है पहले, यहाँ पहली बार चंद्रशेखर भाई आए हैं तो इस बार उसको चंद्रशेखर भाई को वोट भी लगाए। गठबंधन से मिथिलेश पाल प्रत्याशी हैं, गरीब परिवार से आते हैं मिथिलेश पाल जी, क्या उनका क्या किस तरीके का यहाँ रुझान देखने को मिला है? नहीं, यहाँ तो चंद्रशेखर भाई का है। आज जैन चौधरी जी ने गांव बेड़ला में बहुत बड़ी सभा को संबोधित किया है, तो क्या जैन चौधरी जी कुछ इधर के जनता पर असर डाल पाएंगे, मतदाताओं पर असर डाल पाएंगे? इधर कोई असर नहीं डालेगा, इधर तो चंद्रशेखर भाई चले गए, ना कटेंगे ना बटेंगे ना बिकेंगे, एक जगह ही रहेंगे, एकजुट रहेंगे। तो यहाँ के कुछ युवा हमारे साथ में गांव गादला के मौजूद थे, यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद जी ने एक चुनावी सभा को संबोधित किया था, और आपने जाना होगा कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, यहाँ के मतदाता किस ओर जा रहे हैं, किस यहाँ का जो रुख है किसकी तरफ ज़्यादा रुख है। तो मैं यहाँ पर मौजूद था, मैंने यहाँ पर लोगों से बातचीत की और यहाँ के विचार लोगों से जाने कि किस तरफ वोट करेंगे। राहुल कुमार प्रजापति, कैमरामैन कोमल के साथ, ए टू जैन न्यूज़ टुडे।